हेलो गाइस, सो ये मेरे चैनल का सेकंड हिंदी वीडियो एंड सीरियसली मेरे फर्स्ट हिंदी वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला मुझे आपसे। सो थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए। सो चलो अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो गाइस, आपने न्यूज़ चैनल पे या किसी के मुँह से सुना ही होगा कि इंडिया के किसी स्टेट या सिटी का इंटरनेट बैन या ब्लॉक हो चुका है, या हो सकता है ये चीज़ आपने फेस भी करी हो। तो गाइज, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमारे इंटरनेट ब्लॉक क्यों होता है या बैन क्यों होता है और कैसे इसे किया जाता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ कि जब हम अपने इंटरनेट का पैसा जियो, वोडाफोन, एयरटेल जैसी कंपनी को दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट कौन होती है हमारा इंटरनेट बैन करने वाली? क्या उनके पास कोई ऐसे राइट्स होते हैं जिससे वो हमारा इंटरनेट बैन कर सकें? और हाँ, इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर हमारा इंटरनेट बैन हो जाता है तो कोई ऐसा तरीका या जुगाड़ या फिर हम वीपीएन यूज़ करके हमारा इंटरनेट वापस एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर पहली बार नहीं हो तो भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, लेट्स गो। तो आखिर गवर्नमेंट हमारा इंटरनेट बैन क्यों कर देती है, क्यों सारी सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया जाता है? तो इसका ना एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा आंसर है कि जब भी कहीं वायलेंस होती है या कोई भी बुरी सिचुएशन आती है, तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इंटरनेट स्टार्ट रहने से कोई फेक न्यूज़ या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है जिससे कंडीशन और ख़राब हो सकती है, तो उस केस में गवर्नमेंट हमारा इंटरनेट बैन कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और इंडिया में 2019 में 109 बार इंटरनेट बैन किया गया था। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताता हूँ कि कश्मीर में लगातार 134 डेज के लिए इंटरनेट बैन रहा था, और ये वर्ल्ड का ना सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेट बैन है अभी तक। अगर एक चीज़ आपने कभी नोटिस करी हो, इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसके पैसे या जो भी चार्जेस हैं वो जियो या एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनीज को दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट कौन होती है कि हमारा इंटरनेट ब्लॉक कर दे इवन आफ्टर हम उन्हें पैसे दे चुके हैं? तो क्या गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई एक्ट या रूल्स होते हैं जिससे वो हमारा इंटरनेट ब्लॉक कर सके? तो हाँ गाइस, गवर्नमेंट के पास ऐसे तीन लॉज होते हैं। पहला, सेक्शन 144, इसके अंदर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई अफवाह या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैल सकती है, तो गवर्नमेंट आपका इंटरनेट लीगली बंद कर सकती है। तो दूसरा लॉ है द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज एक्ट 2017। तो ये एक्ट 2017 में बना था, और इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंटरनेट बंद कर सकती है गवर्नमेंट। इसी तरह जो हमारा थर्ड लॉ है द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इसके अंडर भी वही सारी चीज़ें हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट लीगली आपका इंटरनेट बैन कर सकती है। तो भी जानते हैं कि आखिर आपका इंटरनेट बंद कैसे हो जाता है, या फिर आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जितनी भी चीज़ें हैं ये काम करना कैसे बंद कर देती हैं। तो आज हम बात करने वाले थोड़ी सी टेक्निकलिटी के बारे में। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, इन सबको कंट्रोल करता है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो करता क्या है कि ये एक नोटिस जारी करता है जो बहुत सारी जगह अप्रूव्ड होने के बाद हमारी ISP कंपनीज को जाता है। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज। तो आखिर इंटरनेट ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है? अगर हम यहाँ से कोई चीज़ एक्सेस करना चाह रहे हैं, अगर उस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया जाए तो हम वो चीज़ एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया की जो बड़ी बड़ी ISP कंपनीज हैं जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इनको राइट होता है कि हमें इंटरनेट बेचने का, और हम जो भी वेबसाइट या जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं इनका डेटा ना कहीं या किसी ना किसी जगह सेव होता है। तो इन ISP कंपनीज का काम यही होता है कि जो हम वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं उसके लिए हमें एक रास्ता बना के दे, एक रूट बना के दे जिससे हम उस वेबसाइट तक पहुंच सके। तो होता ही है कि जब गवर्नमेंट इन्हें ऑर्डर देती है कि भाई तुम अब इंटरनेट बैन कर दो या ब्लॉक कर दो, तो ये करते ये हैं कि उस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं जिससे हम इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर पाते। तो गाइज, ये बहुत ही सिंपल फंडा है, दिखता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट है उतना ही सिंपल। तो गाइज, अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की कि अगर हमारा इंटरनेट ब्लॉक हो जाता है उसके बाद भी हम VPN का यूज़ करके हमारा इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो गाइज, VPN करता ये है कि आपकी लोकेशन से पहले वो आपको किसी और कंट्री में ले जाएगा, फिर वहाँ जाकर आपको वहीं से इंटरनेट एक्सेस कराएगा। पर VPN को आपको उस कंट्री में ले जाने के लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत है, पर इंटरनेट तो हमारा ब्लॉक है। तो भाई, जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो आप उस कंट्री में जाएंगे कैसे और आपका VPN चलेगा कैसे? तो गाइज, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई चीज़ काम नहीं करने वाली। अगर आपका इंटरनेट बैन है तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।